हरियाणा में प्रदूषण को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। हर तरफ से विरोधियों ने मनोहर लाल सरकार को घेर रखा है। वहीं बीते दिन कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। आइए देखते हैं कांग्रेस की तेज तर्रार वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी ने क्या कहा। का हमेशा से नियत एक रही है कि लिपा पोती करी जाए और जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो कभी इन्होंने उठाए नहीं है। नतीजा आज ये है कि प्रदूषण की इतनी ज़बरदस्त मार पड़ रही है कि गैस चेंबर बन गया है पूरा का पूरा एनसीआर रीजन, और इसका जो है नुकसान जो है हर एक को है। उसके साथ साथ ये जो आने वाले समय की जो हम पूछते हैं उनके लिए तो कुछ छोड़ के जाने वाली की तो बात ही छोड़िए, हमारा खुद का जो है जीना जो है दुर्भर हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है किसान को, क्योंकि किसान के ऊपर दो मिनट में, क्योंकि मासूम किसान, बेजुबान किसान, गरीब किसान, उसको जो है उसके ऊपर थोप दिया जाता है कि ये सारा उनके कारण हो रहा है। जब सब जानते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से अगर इस सरकार के ही आंकड़े निकाल लो आप, तो 15 से 16% से ज़्यादा प्रदूषण पराली जलाने से नहीं होता। पहली बात तो ये, तो सरकारों को इसका समाधान कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। अब किसान तो वैसे ही बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है, तो उसको आप किस तरह से, उसको आप कोई विकल्प दीजिए जिससे वो पराली ना जलाए, ये इनको ढूंढने चाहिए थे, इस तरह के चीज़ें ढूंढनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे लोग जो इन बहुत स्टडी करते हैं इसके अंदर बहुत मैंने पोल्यूशन के ऊपर जो है एक बहुत, ये ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल मेरे बहुत ही दिली जहनी तौर पर इसके ऊपर मैं बहुत काम करने की कोशिश करती हूँ। इसका जो है मैंने पिछली बार भी सजेस्ट करा था कि भई आप उद्योग, छोटे उद्योग लगाएं हर एक ज़िले के अंदर, जहाँ पे जैसे कार्डबोर्ड फैक्ट्री हो या खाद लगाने का कुछ हो, उसके अंदर जो है लोगों को, बच्चों को, युवकों को, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। और मैंने 3 दिन पहले हरियाणा विधानसभा का जब सत्र था तब मैंने ये कॉलिंग अटेंशन लेकर आई, जिसकी प्रति मेरे पास है, उसके अंदर मैंने स्पष्ट तरीके से लिखा कि आप 100 रुपये प्रति एकड़, ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है, 100 रुपये प्रति एकड़ किसान को मुआवजे की तौर पे आप दीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए ताकि वो किसान पराली जलाने से परहेज और गुरेज करे, है ना। अब यही चीज़ जो मैंने 3 दिन पहले कही थी वो कल सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कल कही है कि किसान को 100 रुपये प्रति एकड़ दिया जाए ताकि जो कहते हैं वो पराली ना जलाए, ठीक है ना। ये बात आप भी वहीं पे थे, गैलरी के अंदर थे, इसके ऊपर तो चर्चा ही नहीं करी गई, कोई बात बताई ही नहीं गई, और पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, कॉलिंग अटेंशन मोशन किसको कहा जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वो इमरजेंसी के अंदर लगाया जाता है। आप समझते हो ये प्रक्रिया है, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो ये सरकार कभी ना पिछले 5 साल में फॉलो करा और इन्होंने भी ये शुरुआत कर दी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब कि कोई भी ऐसा अहम मुद्दा जो सरकार के संज्ञान में एक विधायक लेके आना चाहता है तो वो अपना उसके ज़रिए, और वो ऐसा अहम मुद्दा जो जो मतलब बहुत ही संगीन मुद्दा हो उसके ज़रिए, कोई हर एक छोटे मोटे मुद्दे नहीं इनके अंदर लाके दिए जा सकते, इम्पोर्टेंस का जो मुद्दा है उसको आप जो है, जब आपको कॉलिंग अटेंशन मोशन हम लेकर आए हैं, आपका जो है विधानसभा सत्र है, आपको इसको लगाना चाहिए था, इसके ऊपर चर्चा होती, इसके सुझाव यहाँ पे जाते, सरकार को उसका फ़ायदा होना था। सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है अब इसके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, तो सच्चाई ये है कि ये सरकार जो है संगीन नहीं है इतने अहम मसले के ऊपर, ये मेरे को जो है इसका दुख होता है। तो जो आंकड़े सरकार ने दिए या जो जवाब वो रखने की बात कर रहे हैं उससे सहमत हैं आप? जो आंकड़े ये लीपापोती करने के लिए दे रहे हैं, आपने देखा कि पूरा का पूरा जो अभिभाषण जो इन्होंने दिया है उसके अंदर कोई ठोस बात लिखी ही नहीं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है ये जजपा और बीजेपी का गठबंधन हुआ, उनमें कहा गया था कि आप किसान का कर्जा माफ़ी करेंगे, कर्जा माफ़ी के कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर कहा था कि 75% जो है आप युवकों को नौकरी देंगे, ये बात भी कही थी। अब आप हमें बताइए वो 75% नौकरी, आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, आप हमें बताइए जो उद्योग हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं,
मारुति उद्योग आपने देखा, बड़े बड़े उद्योग हरियाणा से जो है पलायन करके जा रहे हैं, तो उद्योग तो यहाँ से तो भाग रहे हैं, तो आप ये 75% कैसे लेके आओगे, है ना। तो ये तो सारा का सारा लीपा पोती का काम अगर आप सदन के अंदर करेंगे, कितने दिन तक लोग जो है मूर्ख बनेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।